दिन के वक्त गर्मी की वजह से हाँ कर दो धूप ही तो नहीं चाहिए पांच दिनों से बारिशों में रह रहे हैं थोड़ी बहुत धूप तो हो ना मेरी भी हाँ ये भी है मकान में तो तंग आ जाएगा बारिश से ये है कमरा ये रूम है बेहतरीन बेहतरीन जूते बाहर यार तू एक बात रखते बाकी वॉशरूम देख लो अंदर जाके कमोड लगा हो साफ सुथरा ये पांच बंदों का किया तूने हां पांच बंदों का मैट्रेस और भी पड़ा हुआ नीचे नीचे एक मैट्रेस पड़ा हुआ है मैट्रेस एक सिंगल है डबल डन हो गया बेहतरीन हो गया चलो ओए ये अपनी स्टिक उठा के अंदर रख लो हां हां जी खोल लेना बाद में ठीक है यार ये व्यू पे बैठ के अंदर से भी देख सकते हो भाई डन सही हो गया जो मजा आएगा आपको शाम को आएगा सही है शाम को हवा फिरेगी ठंडा मौसम आएगा रात को आप बोन फायर वगैरह होते नीचे सही है बोन फायर करवाना हो वो करवा लेना सही है भाई ये सामने झंडा देख सकते हैं आप पाकिस्तान कश्मीर और पीटीआई ये हमारे होटल की जो है ना बेल्कनी है बैग वगैरह सामान वगैरह सारा रखने के बाद सुकून से अब यहाँ पे जो है ना तशरीफ़ फरमाए हम लोग आतिफ भाई कैसा लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में भाई जान जितनी हमने मुश्किलात झेली लेकिन यहाँ पे आके सुकून मिल गया सारी थकावट उतर गई चलो बहुत प्यारा व्यू माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत है भाई जान वलीद भाई आपके क्या जो है ना ख्यालात है हमें नहीं पता नहीं हम तो जा ही अब भी शाम उगले पर चले गए ये देख 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 बदल आ गए रोटी ले आओ अच्छा मुझसे भी कुछ सुनना चाहेंगे नहीं आप ओड़े क्या ख्यालात है आपके यहां तक गया ना बहुत है बस ये पहुंच गए बहुत है अक्का पड़ा तो इसका दिल नहीं कर रहा कि मुल्तान चला जाए वापस वो देखे लोग और भी मजीद जगह हाइकिंग वगैरह करके यहाँ तक आए हैं शायद ये वापसी की तरफ निकले वापसी है इनकी थोड़ा बहुत बाहर तो कुछ ना कुछ नजर आता ही है ना हाँ मतलब ये प्रॉपर नजर नहीं आता असल में ना धूप की वजह से यार देखो ना वो सामने होटल है ना वो हेवन वाला ऊपर जाने वाली आवाज कुछ नहीं कम थी और नीचे आने वाली आवाज इसका नाम है हेवन इन हिल ठीक है ये होटल है सामने इसकी बेल्कनी में अच्छी खासी आवाम है जूम इन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो लोग आवाम है सही लेकिन मतलब बेल्कनीज वगैरह में इस तरह बैठ के ना फिर वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धूप जो है ना वो मज़ेदार नहीं लग रही नहीं यार चलो आप सिर्फ सोच सोच के छत दे के गुजार देते हैं बोलिए तीनों हम लेटे हुए छत देख रहे हैं जी नींद नहीं आ रही इतना मोबाइल में नेट था हमारे पास बाहर अंधेरा था जो करो तो जवार करते मुंह हो गया बंदे क्या बात शक्ल अच्छी ले रही है चाय आ गई है शक्ल तो अच्छी ले रही चाय जी चाय अच्छी है वो कपड़े भी कैसे लिए अच्छे से एक घंटा उसने कहा है पूरा कॉल पे बात करो टेंशन नहीं है बस ठीक है इसको ले देगा अभी कॉल अब तू कर दियो बस ये ले पड़े कर दो चार में तू लगा ले वो अबे तूने फिर उधर की नहीं पी जहाँ पे हमने खाना खाया था बादल देखो बस करा देती है पानी मुश्किल
कैसे कैसे धनी कैसे यही जैसे टांग अड़ाई हुई दिन को धूप तो रात में जो है ना बारिश का एक खूबसूरत मंजर। पोहड़ भाई अपनी तस्वीर बनवाते हुए फोटोग्राफी, आती भाई जो है ना अलग से फोटोग्राफी कर रहे हैं, और वलीद भाई इस वक्त बैठे हुए ईसी का काम कर रहे हैं। आन वो डीएसएलआर का भाई लॉक करा है, अब फोन पे जा रहे हैं हम नीचे। भाई लाइटर दियो। हैं आज मौसम जिस तरह का सेक्सी हो गया, मेरी जैकेट भी ले ले राजा, अभी ले अपने पास कोई वो नहीं है, प्याला जो सर पे रखे जाएंगे, डंडे वाला प्याला मुआस कर रहा था, तुम निकलना था उसका भी निकल जाते हैं, बारिश तो वही है, वहीं पे हो जा रही थी, रुक जा अभी रुक जाएगी यार। हाँ तो क्या हो गया, उल्टा ज़्यादा मज़ा आएगा यहीं फोन फायर करेंगे आप। तो पागल है, मैं तो रात का इंतजार करूंगा, जब रुकेगी मैं तब करवाऊंगा। बन रहा है बात है साहब से भाई, कितनी प्यारी बारिश हो रही है, कितना प्यारा मौसम है, और इस प्यारी सी बारिश में हमारे वलीद भाई सोए पड़े हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म का मौसम हो गया है और बारिश शुरू हो गई है, और हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, सॉरी, मतलब बारिश को एंजॉय करें। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो धूप थी, लेकिन अब बेहतरीन किस्म का मौसम हो गया है। तो आती भाई कैसा लग रहा है आपको, बेहतरीन है, सुकून मज़े, बाकी जन्नत है। वलीद भाई सुकून से अपने मूड में मौसम को देखते और एंजॉय करते हुए इस जगह पे हूँ, इस साइड पे मौसम इंतहाई बेहतरीन है, और अच्छा लग रहा था कि शाम तक ना जो है ना बादल वगैरह आके बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी, और वही बात है कि चार बजे का टाइम होगा, तक 3 बजे का टाइम होगा, खैर 3 बजे का टाइम है 4 बजे का, तो बहरहाल बारिश शुरू हो गई है और पूरी ज़ोर शोर के साथ है, कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन बाकी बेहतरीन है, सब्ज़ा और साफ होके और ग्रीन लग रहा है। अभी हमारा इरादा था कि हम लोग आगे जाएंगे और जो है ना आगे तक हम घूमने जाएंगे, काफ़ी सारे लोग आगे भी जा रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन कुछ यूँ बनी है कि बारिश तेज़ हो गई और जो गए होंगे वो भी कहीं ना कहीं पना ले रहे होंगे, और हम बच गए क्योंकि हमारे पास छतरी वगैरह नहीं थी। अम्ब्रेला वगैरह लाजमी रखें, इस लिहाज से कि ये भी एक अच्छा आइडिया है कि अम्ब्रेला रखें, ताकि इस तरह के मौसम में आपको कोई तंगी वगैरह ना हो, धूप से भी और बारिश से भी। बाकी इंतहाई खूबसूरत मौसम, सामने पाइन ट्रीज़ का जो है ना एक जंगल, और ऊँचे ऊँचे पहाड़, काले बादल, क्या बेहतरीन नज़ारे। रात को इस जगह पे हमारा बोन फायर होगा इंशाल्लाह, और बारबेक्यू के साथ। होटल से यहाँ तक आए, बारिश की वजह से सारी जगह कीचड़, बूट ख़राब, तो इसलिए घास का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके ऊपर चलेंगे तो बूटों के साथ मिट्टी नहीं चिपकेगी और बूट साफ़ रहेंगे किसी हद तक, इतने तो साफ़ रहने नहीं, लेकिन धूप निकल आई है और उस साइड पर भी बादल हैं, अभी उस साइड पर बारिश जो है ना होती रहेगी।
से वो और चीज है। दुकान में शटर होने से खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे थोड़ा पत्थर बंदा तो जाएगा वो तो यूट्यूबर है उसे तो क्या है वे यहाँ से तो स्लिप होगा गलती करेगा उधर हाँ उधर चलांग मार दो साइड पे वो खुश्क है हाथ पकड़ नहीं 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 ये खुश किस जगह पे ये नीचे वाली जगह पे चलांग मार लकड़ी पकड़ लियो लकड़ी पकड़ गई तो स्लिप हो जाएगा खतरा नहीं होता कुछ दानी आजा उत्तर कर दिया दानी आजा अब इस तरह पकड़ेगा आज इधर 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 चल तो मुझे हमें तो आगे जाना बात तो यही की है बेटा अब वो आज देखिए उसके फट्टे के ऊपर कोने में पैर रख इस पे पैर रखो इधर आ जा जो लकड़ी पड़ी हुई है साले आ जा फोड़े ऐसे इशू है कि एक काम कर दो पीछे रह गया जाता है लाश लेके फिर ऐसे लगी है कोई नहीं जितना सोच यार आ जा यार कुछ नहीं होगा तो एक काम करो तुम लोग वापस जाओ जा रहे ओए आराम से दानी आराम से तो यार दानी थोड़ा सा गिर के दिखा वो व्लॉग में अच्छा आ जाएगा पेंट मैं दो दूंगा यार मैं खुद अपने हाथ से हाथों से दूंगा सर्फ लेके ओए ना नहीं 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 देनी नहीं देनी आएगा ये ऐसे नहीं आएगा सब सब जब जा रहे हैं तो ओए यहीं पे खड़ा हो जा दानी वो एक बंदे के हाथ की बस की बात नहीं है 150 किलो भी तो है अच्छा मुझे लग रहा था कि बकरा ईद पे शादी ज़िबा हो जाएगा लेकिन बच गया नाउ यू आर डन प्रो या आई नो सिक्योरिटी बैग दी ये देखियो आएगा आराम से यहाँ पे ना कीप कमिंग स्लो होगा नॉट कमिंग स्लो वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे अरे यहाँ पे नेचर के लिए तो हाई रहे तो भाई कमा कौन रहा है यहाँ पे यार ये भी तो देख ना नेचर है जो मर्जी है आगे जाए सकते हैं अभी जोर तो साफ कर मैं कपड़ा दे दिया मैं सब के बूट साफ कर दूँगा कपड़ा भी नहीं अरेंज कर भागी तो भागी रुक जो शायद तो उठे मौसम काफी है बारह बहुत है पहले बारह साफ कर लो कम कम हो गए थोड़ा वो तो साफ करे अब मुझे तो छोड़ दे क्या हुआ कुछ नहीं सर छोटी सी गुड़िया है ये तो इसको वाकई कह सकते हो डोल है बच्चे को क्रॉस करवा आजकल बच्चे देख के ना दिल करता है कि यार मेरे अपने बच्चे होंगे जल्दी बस लेकिन उसके लिए शादी करनी पड़नी है यार ऐसे नहीं होंगे हाँ नहीं नहीं दानी नहीं ऐसे नहीं अब आप करम कर इधर बोल तो होंगे साफ ये देख बेटा घास कट रहे तो वो कहाँ कर रहे हैं वो ये अब आगे है घास सारा अब टेंशन नहीं है बस बारिश ना हो तुम लोग ना दूर की सोच ही नहीं सकते यहाँ तो घास है वापसी में क्या करोगे
उस साइड पे उसे हां ले चाट पे चॉकलेट पसंद है यार अपन आप और हैं चॉकलेट पसंद है ना ले चाट चेक करियो जल्दी आ फ्रेम में सारे आओ यार इसके फ्रेम में आना भाई पहले मेरी अकेले की एक फोटो ले ले तेरी अकेले ले तो साहब बाद में आएंगे ओए पहोड़े जैसे तूने वो उस जो फिल्टर था ट्रीज वाला उसमें जो तूने इसकी वीडियो बनाई थी वैसी बना मेरी एक मिनट मैं खड़ा नहीं हूँ यहाँ बना दे यार पहोड़े पहले पहोड़े बनाइयो पहोड़े सिगरेट भी लाऊंगा इस तरह पीछे का फुल मॉल नहीं आएगा यार इधर आइयो बोर्ड इधर इस साइड पे आ इस साइड पे तो आ इस साइड शायद रोशनी आज फेस पे मिस्ट्री है फेस पे रोशनी नहीं है बहुत लेट जाओ बोर्ड एक और बनेगा पागल है वाकई पौड़ भाई बाकी टीम जो है ना वहाँ से गुज़र रही है ये इसके नीचे साया टाइप का बनाया हुआ क्यों बनाया हुआ है समझ नहीं आ रही इसके नीचे क्या बनाएंगे लेकिन काफ़ी अच्छे हैं जैसे बारिश से नीचे का सहारा बनाया जाता है ये वैसी चीज़ बनाई हुई है कि बारिश से बचने के लिए इनके इसका सहारा ले लिया जाए तो इसके नीचे बंदा बैठ सकता है बड़ी अच्छा हाय क्या खूबसूरत नज़ारा है और क्या खूबसूरत मंज़र है ये एहसास और ये फीलिंग जो है वो आप यहाँ आके ज़रूर लें खुले मैदान पहाड़ों के बीच में लेन मतलब बड़ी बात है यार देखिए कहाँ की तरफ जाना है किधर नहीं जाना नहीं मालूम एक रास्ता सा बना हुआ जाने का उस पे चलता जा रहा हूँ मैं सॉरी भटक गया वहाँ से देख रहे हैं सेंटर में एक लाइन सी बनी हुई है इधर घास कम है तो यहाँ से आपके लिए गुजर आसानी से होगा तो मेरे बूट दूसरे वाले नायलोन वाले हैं तो वो गीले हो रहे हैं ऐसा ऐसा वाटरप्रूफ नहीं है मगर ये जोगर का यहाँ पे बड़ा सहारा हो गया है जोगर के बगैर यहाँ पे जितना भी घूमना फिरना चलना फिरना है वो उतना मज़े का नहीं है मतलब तंग होता है अगर आपके आपने पंपी पहनी हुई है या कोई फॉर्मल शूज़ पहने हुए हैं कोई आपने सैंडल पहना हुआ है तो वो तंगी होगी उसे क्योंकि हर शाम को या किसी भी टाइम यहाँ पे बारिश हो जाती है अब वो अगर आप निकले हुए हैं और आपके सारे पाँव गीले हो जाएंगे आपकी जो खेड़ी है या सैंडल है जो भी है चप्पल वगैरह स्लीपर्स वो सारे गंदे हो जाएंगे गीले हो जाएंगे और गीले होने के बाद जो है आपको तंग करेंगे पाँव स्लिप होता रहेगा मिट्टी कीचड़ सारा पाँव के अंदर जोगर वगैरह से ये फ़ायदा होगा कि वो आपके पाँव बचे रहेंगे मौसम बहुत बेहतरीन है नज़ारा बहुत बेहतरीन है बहुत फ्रेश हवा है वो मैं बयान नहीं कर पा रहा
बार बार मैं अपनी वीडियो में आपको ये बात कर रहा हूँ कि देखें काइंडली इस तरह की जगहों पे जब आप आते हैं तो आपने सफाई का ना खास ख्याल रखना है। उसकी वजह ये है कि यार ये जगह जो है हमारे लिए असासे कह लें या जन्नत कहो जो आपको हो, तो यहाँ पे हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग और आते हैं। शुरू शुरू में लोग आते जाएंगे, थोड़ा गंद फील नहीं होगा, बाद में फिर वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता जाएगा तो फिर एक टाइम आएगा कि आपको खुद नजर आएगा कि जगह जगह जो है ना लेस के शॉप पर बॉटल्स मिलेंगी आपको, ठीक है, आपको इस तरह की या टीन कैन वगैरह होगी तो ये चीज़ें वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो गंदगी है ना वो नहीं करनी यहाँ पे, ताकि आप जब भी कभी हैं साल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, तो आपको वही मज़ा आया जैसे आपको फर्स्ट टाइम आया था जब ये साफ़ सुथरा था। खैर मिसवाक करने लगे हैं भैया, ये भाई मिसवाक नहीं, वो दूसरा की कौन सी जड़ी बूटियां हैं, जड़ा बूटी। अच्छा आतिफ वो क्या होती है वो जो करते हैं वो जिसे अंदर से मसूड़े वगैरह लाल हो जाते हैं, मतलब लकड़ी सी मंजन पत्नी ऐसी नहीं, 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 नहीं। मंजन ही नहीं, नहीं वो लकड़ी वाली यार, वो मंजन ही होता नहीं, मंजन होता वो किसी ना दरख्त की छाल से बनती है और वो जैनो से आपके दांत साफ है, शक तो शक का जो है ना यहाँ पे देखें ये ही वी आर सफरिंग एंड इट्स सो गुड सफरिंग, यू सफरिंग वेरी मच, यू ऑल मे सफर। वहाँ तक जाना है यार, जानी थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट आती भाई और वलीद का आइडिया परवीन है बड़ी नंदी आयशा मुझको भावे गलियां तेरी ये कीचड़ की वैसे जो पांव स्लिप हो रहे हैं ना वहां से ज्यादा जोर लगता है, अगर बारिश ना हो ना कीचड़ ना बने तो पांव स्लिप कम हो जोर भी कम लगेगा। स्लिप होना अच्छी बात है। ओ एक में धक्का तो ना दे यार, क्या हो गया, मुंह के बल गिरूंगा मैं। यार साइड से देख जाने दे यार, कीचड़ का मोहम्मद ये क्या कह रहे हो, ओ यहाँ पे रास्ता कैसे खत्म हो गया। अच्छा हाँ जी बिल्कुल ओके भाई। हालत क्या हुई है, ट्रैक देखने जा रहे हैं सिर्फ फिर क्या हो गया ना? अच्छा, जोर लगता भाई। हाँ। ट्रैक ना यहाँ से नजर ही नहीं आ रहा, वहाँ पे आके बैठे थे जवानी, समझ आएगी यहाँ से नहीं आएगी।
मैं सोच रहा था कि ट्रैक सही है, इतना गंदा नहीं है भाई। अबे सुबह वो कीचड़ हुआ, हवा क्या कैसे सही है? हाँ जी, सुबह तक हवा चलेगी, रात में ये सुबह तक सेट हो जाएगा। हाँ सही है, सही है, सुबह तक कंक्रीट बन जाएगा, यहाँ पे मार्बल लग जाएंगे। तो बेटा सुबह जो मर्जी हो, फिर निकलना तो है ही ना, अब यहाँ से बाय एयर तो जाने से रहे ना। चलें यार अपने होटल की तरफ। मैं तो कहता हूँ चलते हैं, बोन फायर करते हैं। बाबा जी गुजरा चला, मेरे को डांस।